भाईना आपण नाटी मो ना बाटी मल्लिक हम घर पुरुष कंपोस्ट एटा बालचंदा घाट एटा होची जगाटा ना होची बालचंदा घाट आपण को एटी इरम केते दूर एटा आपण को इरम 10 किलोमीटर भीतर होबो 10 किलोमीटर भीतर होबो सेटी जो स्मृति स्तंभ अछि शहीद मान करो जोटी मुझे मानते इरम से अनेक दूर इरम मार्केट स्मृति स्तंभ धन्यवाद आपको जगह टी बत सर ये जगह ना कौन पढ़ुआ पढ़ुआ आम जीव इरम जीव इरम ये किलोमीटर छः किलोमीटर इरम को रास्ता कौप मेन रोड सर आप नाटी मो ना वृंदावन चंद्र दास आज धन्यवाद आपको रास्ता बताइए थे सर आपको परिचय मैं उमाकांत रणा सर आपको परिचय सर ये जगह ना रक्ततीर्थ इरम सर ये जगह कौ जिले भद्रक जिले ये भद्रक जिले में जाचुअली मुझे जगह को आसी जगार जो स्मृति स्तंभ अच्छे किसी आपको जानापी चाहिए सारा भारत में गांधीजी डाकरा जो स्वाधीन देश स्वाधीन डाकरा दिहला 1942 1930 जो रबड़ सत्याग्रह है से ठू ये इरम अंचल स्वाधीनता जेहेतु ये अंचल तीन पाखे नदी ए गोटे पाखे पूर्वर समुद्र आन पाखे नदी थी एटा 16 वर्ग किलोमीटर माइल वर्ग माइल अंचल थिला ये अंचल को स्वाधीन चकला ये या ये चकलार मुख्य धारा थे बांछानिधि महांती कवि सीता लेखनी रे ये अंचल बासी को ये कह कह के पाई मुकति करी हारी हुरी गुहारी ये जो तर कविता मैं लोक उद्भुत करते ये अंचल जमी स्वाधीन हम से कवि आह्वान जितिय कवि जितिय कवि मान्यता दिखाई ये भाया मटी इरम मटी जहाँ कि सारा भारत ये घटना कौटी है अमृतसर जो होता जालियांवाला अमृतसर में सेठी बैशाखी पर्व पालन कराला किंतु सेठी गोटे दर्जा थी जुगुरु से गुड़कांड करते डाएस किंतु ये ये प्रकृत एटी लोक संग्राम करते देशपाई जातिपाई एवं चेष्टा करते ये देश कमी स्वाधीन हम इरम भाया जगह ये 29 जन शहीद हेले जड़े नारी नेत्री जे परिवेवा एटी प्रथम भारत प्रथम करेपी प्रथम से बलिदान दे प्रथम नारी नेत्री जे कि देशपाई बलिदेले ये माटी ये माटी आज पर्यंत किसी तार किसी डेवलपमेंट है आज यदि उत्तर प्रदेश रहता आज यदि गुजरात रहता तो ये मटीर कि डेवलपमेंट होता तार सीमा ना किंतु आज ये माटी अवहेलित धन्यवाद सार को उमाकांत सार को भारत माता की जय इरम माटी की जय महात्मा गांधी की जय वंदे मातरम वंदे मातरम Thank you.
हूँ सर आपण परिचय सूर्यकांत खिला सूर्यकांत खिला ये जगाटी ना कुलीखटी ऑफिस कुलीखटी ऑफिस ये कौ जिलार जाए भद्रक आगु बालेश्वर एवं तो भद्रक आगु बालेश्वर एवं भद्रक आपत ये कुलीखटी ऑफिस कौ मैंने करते कौन करते मत संक्षेप में बुझे दिखे यहाँ ब्रिटिश सरकार ये कुलीखटी ऑफिस तैयारी ये ऑफिस आसिक ब्रिटिश सरकार तर फौज मैंने रुंती पुलिस मैंने भी आसिक किसी दिन आसती जो जहाँ गंडगोल है आसिक ये सब ये करती मानते जो पुलिस रोते ब्रिटिश पुलिस ना आम भारतीय पुलिस ना से आम जो देख भारतीय पुलिस से मैंने भारतीय मान अत्याचार करते ना कौन ये उद्देश्य कौन थी ଏଠି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଆମେ ତ ସେ ପୂର୍ବ କଥା କହିବା ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆମର ସେଇଠୁ ଇଏ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ପଳେଇଲା ସେଇଠୁ ଏହାକୁ ନେଲା କିଏ ଇରେକ୍ସନ୍ ବାଲା ନେଇକି ତାକୁ ଦେଖା ଦେଖି କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଇରେକ୍ସନ୍ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲାନି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଗଲାନି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଆମେ ଯେତିକି ବୁଝିଲୁ ଆମକୁ ସେ ଯେତିକି ଜାଣିଥିଲେ ଆମକୁ ସେ କହିଲେ ବସ୍ ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏ ଯେଉଁ କୁଳିଖଟି ଜାଗା ଅଛି କୁଳିଖଟି ଜାଗା ପ୍ରତି ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆହୁରି କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତା ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେଭଳିଆ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଭାଙ୍ଗି ତୁଟି ଗଲାଣି ଏ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ସରକାର ଏହା ପ୍ରତି ମନବୃତ୍ତି କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭଙ୍ଗା ଗଲାଣି ବ୍ରିଟିଶ ଜିନିଷ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲା ସିଏ ଅବଶ୍ୟ ଘର କରିକି ଯାଇଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଘର ସବୁ କାନ୍ଥ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲାଣି ସବୁ ଛାତରୁ ମାଟି ଖସିଲାଣି ଗଛ ଉଠିଗଲାଣି ବ୍ରିଟିଶ ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ସେତେବେଳେ ବି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଏ ଘର ସବୁ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ଇଏ ଉଇଙ୍କା ଉଠିଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଉଇଙ୍କା ଉଠି ଘର ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗିକି ଉଇଙ୍କା ଉଠିଲାଣି ଇଏ କେଉଁଭଳି ଛାତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଟିଛି ସବୁ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ମୋତେ ନାହିଁ ଏ ଜାଗା ପ୍ରତି ଆଉ